नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के छठे दिन की कथा अध्याय 6 में कार्तिक स्नान की विधि, तिथि व पूजा का ज्ञान। नारद जी बोले, दो घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुएं या जलाशय आदि पर जाकर स्नान करें। प्राकृतिक रूप से बनी हुई अथवा मनुष्य के द्वारा बनाई गई नहर आदि में भी स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल झरने में, झरने से 10 गुना अधिक फल गंगा आदि नदियों में और इससे 10 गुना फल संगम में स्नान करने से मिलता है तथा तीर्थ में स्नान करने का फल दुगना हो जाता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान करने का संकल्प करें। तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से मंत्र बोलकर अर्ध आदि देवें। अर्ध का मंत्र है, नमः कमलानाभाय, नमस्ते जलशायिनीय, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश, ग्रहणाध्य नमोस्तुते। अर्थात कमलनाभ भगवान को नमस्कार है, जलशायी भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, तुम मेरे इस अर्ध को ग्रहण करो, आपको मेरा नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद स्थापित किए हुए हैं। इस प्रकार मुनि, वेद और यज्ञ सहित विष्णु ने जहाँ पद स्थापित किए हुए हैं वहाँ के सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार कर मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। हे दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। इसके बाद पुनः एक और मंत्र बोलकर अर्ध दें। नित्य नैमित्तिके के कृष्ण कार्तिके पाप नाशने ग्रहणाध्य मया दत्तम दानवेंद्र निषूदन। अर्थात हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्ध को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। हे राक्षस पतियों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, कार्तिक मास में दिए गए मेरे इस अर्ध को ग्रहण कीजिए। व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि का पुनः स्मरण कर जल में घुसे, नाभि पर्यंत जल में जाकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी, इन तिथियों में आंवला और तिल आदि नहीं लगाया जाता है। प्रथम शरीर के मल को साफ करें, फिर वेद मंत्र द्वारा स्नान करें। स्त्री को पुराण के मंत्रों से स्नान करना कहा है, वेद मंत्रों से नहीं। और ईश्वर से प्रार्थना करें कि भक्त भावन जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे पाप नाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करें। जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। बीज रहस्य, यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा जी आदि नदी, तीर्थ और सप्त सागर के साथ नदी एवं तालाब मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे कल्याणकारी हो। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पावित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती मनुष्य जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का पूजन करे। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प,
और फलों से अर्घ्य प्रदान करे और प्रार्थना करे कि हे हरि, जो मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान किया है, सो मेरे इस दिए हुए अर्घ्य को हे हरे राधिका सहित आप ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करे, गंध पुष्प और तांबूल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करे, क्योंकि ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ और मुख में वेद रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु के रूप हैं, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। और इसके पश्चात हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाया, फिर मुनियों ने पूजा की, हे हरि प्रिय, तुम मेरे पापों को हरण करो। और इसके पश्चात स्थिर चित्त से पुराणोक्त हरि कथाओं का श्रवण करें और भक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों का पूजन करें जिन्होंने आपके लिए कथाओं को गाया और सुनाया है। पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातका को हरने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन और मुक्ति देने वाला भगवान विष्णु के प्यारे कार्तिक के व्रत के सिवाय और कोई व्रत नहीं है। इति श्री कार्तिक मास महात्म षष्ठम अध्याय संपूर्ण।